दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर अक्सर आपने लड़कों के बीच में तो हाथापाई देखी होगी, लेकिन अगर लड़कियों के बीच में हाथापाई देखनी है तो इस समय बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की लाइव फीड को देख सकते हैं, जहां पर शिवानी कुमारी और कृतिका ने एक दूसरे के साथ हाथापाई कर ली है। दोनों ने एक दूसरे को जोरदार तरीके से धक्का मार दिया है, और यहाँ तक कि शिवानी कुमारी के तो हाथ में चाकू था, वो तो चाकू से हमला तक करने वाली थी। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस मुद्दे में देखा जाए तो शिवानी कुमारी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर टास्क हुआ था। टास्क में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ मची थी, जिसकी वजह से घर वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आया था, काफ़ी गंदे हो गए थे एक तरीके से कहा जाए तो। और इस दौरान कृतिका नहा धोकर आई किचन में खाना बनाने के लिए। किचन में उसके साथ में जो है शिवानी कुमारी की ड्यूटी है, और शिवानी कुमारी जो है किचन में खड़ी खड़ी यहाँ पर कृतिका से बात करते करते अपने पैरों को खुजली कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, लाइव फीड में साफ तौर पर देखा गया था कि शिवानी जो है वो अपने पैरों में खुजली कर रही है, और कृतिका ने कहा कि यार शिवानी तू एक काम कर, खाना बनाने से पहले ना नहा के आ जा, क्योंकि अभी हमने ना मिट्टी में धूल में टास्क किया है, और टास्क करने के बाद अब हम खाना बना रहे हैं सीधा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। किचन में सबके लिए खाना बन रहा है तो नहा के आ जा, कोई बात नहीं, पानी डाल ले शरीर पे। लेकिन शिवानी ने कहा कि वो नहीं नहाएगी, जिसके बाद में कृतिका कह रही है क्यों नहीं नहाएगी भाई, अभी तू खुजला रही थी अपने पैरों को और अब तू नहाने के लिए मना कर रही है। लेकिन यहाँ पर शिवानी मुकर गई और कहा कि मैंने कब खुजलाया, मैं तो नहीं खुजला रही थी, और यहाँ पर वो कसमें वसमें खाने लगी, जिसके बाद में यहाँ पर कृतिका को गुस्सा आ गया। कृतिका ने कहा कि मैं अपनी बच्चों की कसम खाती हूँ कि तूने खुजलाया है, तू झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन शिवानी कह रही है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, तू झूठी है, और इस बात पर दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ी। इस दौरान कृतिका जो है वो शिवानी के बिल्कुल ऊपर से चढ़ गई थी, जो कि गलत है। यहाँ पर कृतिका का सीन पहले गलत था, क्योंकि वो पूरी तरीके से जाकर शिवानी के मुंह पर चढ़ गई थी, और ये चीज़ देखकर शिवानी ने अपने हाथ से कृतिका को जोरदार धक्का मार दिया, जिसके बाद में कृतिका ने भी यहाँ पर पलटवार करते हुए शिवानी को धक्का मार दिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गई है, फिजिकल फाइट हुई है घर के अंदर, और इस दौरान घर वाले बीच बचाव करते हुए यहाँ पर रोकने लगे, क्योंकि शिवानी के हाथ में चाकू था। और लोकेश कटारी ने आकर शिवानी को समझाया कि चाकू वाकू रख दे साइड में, गलती से कहीं गुस्से में कहीं मार ना दे तू, और जिसके बाद में मामले को शांत करवाया गया। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवानी की गलती है, उसे मान लेना चाहिए था कि हाँ भाई उसने पैर खुजाया है, इसमें कोई दोराई नहीं है, और अगर नहाना नहीं है तो कम से कम किचन में पैर खुजाने के बाद में हाथ तो धोना चाहिए, क्योंकि सबके लिए खाना बनता है, और ऐसे अनहाइजीनिक होकर खाना बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता को भी गुस्सा आएगा। आपका क्या है कहना इस पर, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।